हेलो, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम जी। जी। कौन साहब, कहाँ से मैं मुख्तार हूँ अपना मीरपुर खास से जी। जी? फरमाए, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना है कि जो मैं वंडा दे रहा हूँ वहां पे बना के, मेरे पास जो अवेलेबल है जी वो जो उसमें शीरा डालते हैं, शीरा मिल तो रहा है वहां पे? तो वो आपने बताया कि आप अपना भी बना सकते हैं। हाँ, अगर नहीं मिलता शीरा, अगर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शुगर मिल्स अगर जब होती हैं उनका शुगर मिल से सस्ता मिल जाता है, और सस्ता होता है इसलिए मैं उसको उसी हिसाब से डलवा देता हूँ। आप फरमाएं, क्यों, क्या सवाल क्या है? अच्छा, ये अगर 5 किलो गुड़ है तो उसमें 5 किलो पानी डाल के उबाल के उसमें इस तरह शीरा बना लें? हाँ, इस तरह खुद बना सकते हैं। 5 किलो या 6-7 किलो ले लें पानी, और उसमें 5 किलो ये डाल के अच्छी तरह बॉईल करके, जिस तरह आप मीठे चावल बनाते हैं गुड़ वाले, वो उसी तरह, उसका भी तो शीरा ही बनता है ना, तो वो आप उसी तरह शीरा बना लें उसका, और वो ठंडा करके उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें, जब भी इस्तेमाल करना हो उतना बनाया करें, खुराक जो ज़्यादा खराब ना हो, और साथ साथ वंडा बनता रहे, साथ साथ इस्तेमाल होता रहे, वो ज्यादा बेहतर रहता है। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये थोड़ा इसका आइडिया, एक वंडा मुझे एक बना के दे दे 10 मन का है। 10 मन का मैं आपको वंडा बना दूं, यहां आके बना के दूं या आप खुद बना नहीं लेंगे? नहीं आप मुझे बता दे बस। हाँ, मैंने समझा, शायद आप कहते हैं आके मुझे बना दें। नहीं, आप मुझे बता दे नहीं बस। नहीं मैं हाजिर हूँ, मेरी जान, मीरपुर खास भी आने के लिए हाजिर हूँ, और आपका वंडा आके बना के तैयार हूँ, फिक्र ना करें। ये दूध दूध देने वाले जानवर का बताना है? तो देन मेरे पास ना तीन भैंसे हैं और ये उसके जो बछड़े हैं ना, तीन चार वो बछड़े हैं छोटे जी। ठीक है मेरी जान, आप लिखें, आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैह। आप मेरी जान, खल आपके पास सरसों की है, जी मिल जाएगी 40 किलोग्राम, नहीं आपने 10 किलो का कहा है ना, 4 किलो सरसों दस की, मान डॉक्टर साहब, 10 मान का जी, 10 मन का है या 10 मान का बता दें आप 10 मन का बना के दो? जी। हाँ, अगर दस आपको मैं 2.5 मन का बना दूं तो आप उसको 2.5 को कितने, 4 से जरब दें तो 10 नहीं बन जाता? जी, सही कह रहे हैं आप, ये भी ठीक है। अगर आपको मैं 2.5 मन का बना बता देता हूं, और 2.5 मन अगर नहीं, आपने 10 मन का ही बनाना है, तो मैं वो 10 मन का बना आपको दे देता हूं, ठीक आप है? 10 मन का दे दो ताकि मेरे लिए आसानी हो, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ मैं। ठीक है, तो मेरी जान आप इस तरह करें, खल सरसों ले लें, जी सरसों का लो 160 किलो, 160 किलो। नहीं, इसको भी मनों में बताऊंगा कितना होता है? ये मैं कर लूंगा, आप किलो में बता दें। नहीं, अगर आप वो भी कहेंगे तो मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, नहीं लेकिन नहीं मैं आप मानिए आपके। मेरी जान 160 किलो खल सरसों ले लें, ठीक है, चौकर और एक चौकर जो होता है, चौकर गंदम का छान, चौकर गंदम 172 किलो, 72 किलो। और शीरा इसमें डाल लें 60 लीटर, खीरा 60 लीटर, और 4 किलो नमक डाल लें, नमक सफेद 4 किलो, और 4 किलो ही इसमें हड्डियों का चूरा या डीसीपी पाउडर डाल लें, डीसीपी मिलेगा हमारे पास जी। तो डीसीपी 4 पैकेट, किलो किलो का पैकेट मिलता है ना, हाँ, तो चार डीसीपी 4 किलो ये डाल लें। ठीक है, 4 किलो ये मेरी जान पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, तो जी। हाँ आपको मैंने 10 मन का
यानी 400 केजी का आपको मैंने दे दिया। कुछ भी नहीं डलवाया, मैंने आपको सस्ता सा वंडा बनवा के दिया, अल्लाह ताला के फजलो करम से। आपको दोबारा कॉल करूंगा, आप मुझे ये सारे आइटम ना एक बार बना के देना, बिल्कुल बता देना। क्यों, ये कल आप, ये कल नहीं, ये मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कॉल, जो आपका प्रोग्राम है, इसको अपलोड कर दूं, तो आप बेशक इसको 10 दफा सुने, 20 दफा सुने, उसके पे लिखा ही ये होगा कि 10 मन दोदियल वंडा का फार्मूला। क्योंकि मेरे पास वो भी चीजें अवेलेबल है, मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूँ, अगर वो चीजें मुझे साथ मिल जाए तो उससे और बेहतरी आ जाएगी। तो वो अगर आप कहेंगे तो उसका अलहदा से बनवा दूंगा आपको, ठीक है? राइस पॉलिश या ये मूंग कुट्टा, ये खड़ वगैरह, ये मेरे ठीक है, पास फिर मैं अवेलेबल आपको है। बना ठीक दूंगा, ठीक है? कल करें 11 से 1 बजे तक, ठीक है? है, मेहरबानी ओके, अल्लाह मेहरबानी। हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। उन्वान है पड़ोसी के हकूक। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशादे ग्रामी है, जो शख्स अल्लाह पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखता हो, वो ज़रूर अपने मेहमान के साथ एहतराम का मामला करे, और जो अल्लाह और रोज़े आखरत पर यकीन रखता हो, वो अपने पड़ोसी को ईज़ा ना पहुँचाए, और जो अल्लाह और यौम क़ियामत पर ईमान रखता हो, वो अच्छी बात बोले या खामोश रहे। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें, फी माल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।